हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रिकॉर्डिंग के जो डेज़ है वो कैसे हम लोग DVR या NVR में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास DVR में या NVR में नया ऑप्शन आ गया रिकॉर्ड एस्टीमेट करके, तो इसका ऑप्शन चेक करने के लिए हम लोग जाते हैं। मैं मेन मेन्यू में जाता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ DVR में। ये मेरे पास DVR लगा हुआ है सामने। ये सेम चीज़ हमारे NVR में ऑप्शन में भी ये सेम रिकॉर्ड एस्टीमेट का ऑप्शन आता है कि मतलब हमने जो हार्ड डिस्क लगाई है DVR में या NVR में उसमें कितने दिन का बैकअप हमारे हार्ड डिस्क में आ जाता है। तो हमारे पास ये आ रहा है स्टोरेज में, हम लोग जाते हैं तो स्टोरेज के अंदर हमें मिलेगा एक रिकॉर्ड एस्टीमेट का ऑप्शन। ये नया ऑप्शन आया हुआ है, इसमें हम लोग क्लिक करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 चैनल का DVR है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है नीचे सेलेक्ट करने का, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरा दिखा रहा है कि कितने GB की हार्ड डिस्क लगी है, जैसे 2000 GB मतलब 2 TB की हार्ड डिस्क लगी हुई है। अब मैं अप्लाई पर क्लिक करता हूँ। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे कैमरे में कनेक्टेड हैं और इसमें मेरे को टाइम दिखा रहा है 45 दिन का रिकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हमने कोई भी DVR या NVR लगा हुआ है तो उसमें हम मतलब रिकॉर्डिंग का डेज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल हमारे अगर 3 ही कैमरे लगे हैं तो मैं ऐसे एक चैनल डिसेबल भी कर सकता हूँ यहाँ से। तो आप देख रहे हैं ये सिमिलर आगे ये रिकॉर्डिंग के डेज बढ़ जाते हैं। जैसे 3 नंबर भी कैमरा हटा दिया मैंने, तो अगर 2 कैमरे कनेक्टेड हैं तो मेरे पास इसमें 90 डेज का भी बैकअप मिल सकता है। तो मतलब ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो हमने हार्ड डिस्क हमने लगाई है DVR में NVR में उसमें रिकॉर्डिंग के कितने डेज हो रहे हैं तो ये हम लोग डायरेक्टली DVR या NVR में कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके बाद एक ऑप्शन और बताऊँगा कि कई बार क्या होता है, हम लोग जब रिकॉर्डिंग करते हैं हार्ड डिस्क लगाते हैं तो हम लोग बस हार्ड डिस्क लगा के उसमें छोड़ देते हैं, उसकी सेटिंग नहीं करते। तो हमेशा कई बार क्या होता है ना, हमेशा हार्ड डिस्क की सेटिंग करने हमेशा मैनुअल में जाएंगे, रिकॉर्ड में जाएंगे, और हमेशा जो ये ऑटो पे सिलेक्टेड रहता है हमेशा मैनुअल पे करेंगे, तब जाके हमारे पास 1 घंटे की फॉर्मेट का रिकॉर्डिंग बन के आएगा, मतलब 1 घंटे की एक फाइल बन के आएगी। अगर हम इसे ऑटो पे सेलेक्ट कर देते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि प्लेबैक में ग्रीन लाइन भी आती है और येलो लाइन भी आती है। येलो लाइन का मतलब होता है मोशन रिकॉर्डिंग। तो हमें अगर 1 घंटे की एक फाइल चाहिए तो उसे मैनुअल पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हमारे ऑटो पर सेलेक्ट रहेगा तो उसमें मोशन भी होगा और रेगुलर भी रिकॉर्डिंग होगी। तो कई सारी फाइल 1 घंटे की, जैसे 1 घंटे में ही आपके पास 15-20 फाइल आ जाती हैं, लेकिन मैनुअल पे करने से क्या होगा कि 1 घंटे की एक ही फाइल आपके पास आएगी। थैंक यू।